सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चना गार्लिक कोली वड़ा। तो यहाँ पे हमने लिया है लहसुन इस तरह से, और इसमें हमने लिया है जो है बीच में कट कर लिया है, देखिए बीच में कट कर लिया था, जब इसको फ्राई करेंगे तो ये दगेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने 1.5 कप चना को भिगा के और इसको बॉयल कर लिया है, नमक और दालचीनी लकड़ी और बड़ी इलायची तेजपत्ता डाल के इसको हमने बॉयल कर लिया है। तो ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, ये देखिए आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बेसन, बेसन इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, हमने अभी नहीं निकाला, वो मैं आपको बता दे रही हूँ पहले से। यहाँ पे हमने लिया है कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, 1/2 कप हमने लिया मैदा, 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून हमने लिया है ये ग्रीन चिली है, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है ये है रेड चिली सॉस। यहाँ पर हमने लिया थोड़ा सा काली मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन, यह है अमचूर पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला, और हमने लिया है यहाँ पे ब्लैक साल्ट यानी काला नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, और यहाँ पे यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून तेल, और तेल में डाल दूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से फेंट लूंगी, तब इसको हमने फेंट लिया। अब यहाँ पे जो हमने मसाले निकाले थे वो सारे मसाले इसमें डाल दूंगी, ठीक। इसमें जाएगा काली मिर्च 5 चम्मच हम लिया है, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे जाएगा ग्रीन चिली पेस्ट 2 टीस्पून, अब यहाँ पे चला जाएगा 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, ठीक ओके। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेती हूँ वापस से। यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा से फूड कलर डाल रही हूँ, इसमें नहीं पड़ता लेकिन मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से कम। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, 1/2 कप मैदा, यहाँ मैदा नहीं, अगर आपके पास है तो चावल का आटा डाल दीजिएगा 1/2 कप, और 2 टेबल स्पून बेसन। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाऊंगी और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूंगी, बाकी मैं चना में डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, अब इन सब्जियों को अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत मिल नहीं रहा, तो इसमें मैं डालूँ थोड़ा सा पानी, अब इसको अच्छे से मिला लूँगी, फेंट लूँ। यहाँ पे देखिए हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, इसको अच्छे से मिला लूंगी ओके हाथ की मदद से। तो यहाँ पे देखिए हमने मसाले को मिला दिया अच्छे से, अब इसको ढक करके 15-20 मिनट के लिए या 1/2 घंटे के लिए भी रख सकती हैं, ओवरनाइट भी रख सकती हैं, आप 2-4 दिन भी आप यूज कर सकती हैं, आप इसको रख के 15 यूज कर सकती हैं, इस्तेमाल में आ सकता है। फ्रीजर में रखिए, फ्रीजर में जब आपको फ्राई करना है तो फ्रीजर से निकाल के फ्रिज के अंदर रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए, तो ये एकदम अच्छे से छोड़ देगा और फिर आप फ्राई कर सकती हैं, और बाहर रखेंगे तो वो पानी छोड़ देता ना जो बर्फ आइस जम जाती है इसमें। तो चलिए मैं इसको ढक कर देती हूँ, ढक कर के रख के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे 1/2 घंटा 1 घंटा के बाद। पुलावड़ी को 2 घंटा हो गया रखे हुए, तो अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसलिए सेट से उठा कर तरह से एक एक डालना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको, चलिए मैं डाल देती हूँ सारे फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए चना डाले हुए 1 मिनट हो गया, आप एक कलछा की डाल से इस तरह से इससे घुमा दीजिए, इस तरह से कोई स्टिक है तो इससे आप इस तरह से कर देंगे तो ये चना अलग अलग हो जाएगा और मसाला भी पकड़ लेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको होने देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे चने फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, अच्छे से छान लीजिएगा तेल वगैरह ना रहे। ये देखिए हम इसको, इसकी आवाज़ सुन रही ना कितनी कड़क है आवाज़, चलिए इन सारी चीज़ों को मैं रख लेती हूँ फ्राई कर। यहाँ पे देखिए चना गार्लिक कोली वड़ा बनकर रेडी हो चुका। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, वीडियो को हमारे शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।